हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। ये वाला वीडियो देखिए, इस वीडियो के तरीका बताएंगे कि किस तरीके से ये वीडियो बनाया हुआ है। लाल दुपट्टा उड़ गया रहे और ये ट्रेंड में चल रहा है और बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है इस वीडियो को। तो इस वीडियो को ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए। और इसके आसमान में अपना फ़ोटो या वीडियो कैसे लगा सकते हैं वो मैं बिल्कुल आसान तरीका बताऊँगा इस वीडियो में, यही हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनीत और स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पे एक बार फिर से। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटी जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि इस चैनल पर जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक का वीडियो आया आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी है, तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल आप चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मुझे वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अब चलिए वीडियो को फटाफट पूरा डिटेल्स में आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो को बनाने के लिए अब हम आ गए हैं अपने स्मार्टफोन में। उसके बाद से काइन मास्टर एप्लीकेशन आपको ओपन कर लेनी है और ये प्लस वाला ऑप्शन को क्लिक करके 9:16 का रेशियो दोस्तों यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद से आपको कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा, इंटरफेस कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। आपको मीडिया पर जानी है, मीडिया पर जाने के बाद आपको उस वीडियो को लेके आ जानी है और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इजी से ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये ओरिजिनल वीडियो इस टाइप का है। मैं इसका साउंड पहले ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि कॉपीराइट का बहुत बड़ा फंडा है दोस्तों आ जाता है, इसलिए मैं आपको ये साउंड ऑफ करके दिखा देता हूँ। इस तरीका का ये वीडियो है, देख लीजिए। ये ओरिजिनल वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें अपना फ़ोटो लगाना है तो ये क्या करेंगे, इसी वीडियो के लेयर पे क्लिक करके ये थ्री डॉट ऑप्शन पे क्लिक कर यहाँ से डुप्लीकेट एज ए लेयर एक बना लेंगे। उसके बाद से डुप्लीकेट लेयर वाला पे क्लिक करेंगे, ये बॉक्स वाला पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन में कर लेंगे, ठीक है। अब आपको अपना फ़ोटो लगाना है तो क्या करना है, आपको लेयर पे जानी है दोस्तों। उसके बाद से मीडिया सिलेक्शन करना है। इस तरीके से कुछ गैलरी आपको ओपन हो जाएगा। आपका गैलरी में देखेंगे कहाँ पर आपका अपना फ़ोटो है, वो फ़ोटो यहाँ से लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं वो फ़ोटो पहले लेके आता हूँ दोस्तों। तो मान लीजिए ये वाला फ़ोटो को लगाएंगे हम, ये वाला फ़ोटो हम यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ से इसको बड़ा करके आप इसको आसमान के साइज़ के बराबर में कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से ये थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और इस फ़ोटो को सेंड टू बैक कर देंगे, ठीक है। ये बैक में चला गया ऑलरेडी, ठीक है। अब इसका फ़ोटो को क्या करेंगे, आपका जितना वीडियो बड़ा है उतना बड़ा आपको इसको स्ट्रेच करके खींच के बड़ा कर लेंगे। उसके बाद से हम यहाँ से ओके करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आपका काम क्या है, ये सेकंड वाला जो लेयर बनाए थे इस लेयर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये क्रोमा की आपको इधर बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, तो आपको क्रोमा की में जाना है। उसके बाद से यहाँ से आपको कलर सिलेक्शन करना है, तो ये वाला जो कलर है वो कलर यहाँ से हम सिलेक्शन कर लेंगे। तो एक बार हम सेलेक्ट करते हैं, हल्का ग्रीन है मतलब स्काई कलर है, तो यहाँ से वो स्काई कलर लेके इसको ओके करते हैं और ओके करने के बाद इसको यहाँ से हम इनेबल करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इनेबल करते ही आपका देखेंगे फ़ोटो हल्का हल्का दिख रहा है, पूरा क्लियरली नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, ये जो एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, ये एडजस्टमेंट को आपको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना है। इधर उधर करेंगे परसेंटेज को तो देखिए आपका जो फ़ोटो है दिखने लगेगा। उसके बाद से ये वाला भी ऑप्शन है, ये वाला भी ऑप्शन आप ले सकते हैं क्लियर करने के लिए। तो यहाँ से भी बहुत अच्छा इफेक्ट आपको मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये देख लीजिए, यहाँ से आपका ये जो है परफेक्ट वीडियो जो है आपका कम्प्लीटली बन चुका है। एक बार मैं आप प्ले करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए वीडियो कैसा लगेगा। लाल दुपट्टा जैसे कर रहा है, देख लीजिए दुपट्टा उड़ रहा है और पीछे में आपका फ़ोटो यहाँ पर लग गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरीके के ये वीडियो बनाते हैं। अब इसको सेव करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, ये सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद ऑडियो को फेड आउट को ऑफ कर लेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। उसके बाद से शेयर का ऑप्शन पे जाके 720 और 30 करके यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। यहाँ से एक्सपोर्ट करने से आपका ये वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय माता दी।